हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 14 असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में इन सभी 14 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की सभी वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की कितनी वैकेंसियां रिजर्व रखी गई है। बात करें दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट की सैलरी के बारे में, तो इन सभी 14 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसियों पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उन सबका जो बेसिक पे रहेगा वो 36,800 रुपए रहेगा और बाकी के सारे अलाउंसेस एज पर रूल कैंडिडेट को यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी जो कैंडिडेट की एक्चुअल सैलरी होगी वो लगभग 60,000 रुपए महीना होगी। अब इसमें आगे बात करते हैं कैंडिडेट की एज लिमिट के बारे में। इन सभी 14 एआरओ की वैकेंसियों पे कैंडिडेट की जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ इन सभी 14 वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो क्रूशियल डेट रखी गई है आपकी एज लिमिट को कंसिडर करने के लिए वो 1 जुलाई 2021 रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में। इन सभी 14 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसियों के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन कैंडिडेट ने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, तो आप यहाँ इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही यहाँ इन सभी 14 एआरओ की वैकेंसियों के लिए कैंडिडेट से कंप्यूटर पे हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं वो यहाँ इन सभी 14 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा उसमें कैंडिडेट का रिटन टेस्ट प्लस में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। आपका जो ये रिटन टेस्ट है इसको दो भागों में बांटा हुआ है। आपका जो ये पेपर होगा ये बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करें यहाँ पे कैंडिडेट के रिटन टेस्ट के बारे में, तो इस रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट का पार्ट वन है उसमें कैंडिडेट से NIELIT ओ लेवल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित यहाँ कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ हर क्वेश्चन जो है वो एक नंबर का होगा, यानी ये सेक्शन जो है वो कुल 50 नंबर का होगा और इस पेपर में कैंडिडेट की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। आपका जो ये पेपर होगा कंप्यूटर नॉलेज का वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 20 नंबर इस पेपर में स्कोर करने होंगे, तभी कैंडिडेट का ये पेपर क्लियर माना जाएगा। ये जो कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, यानी इसके नंबर फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अब बात करें यहाँ पे इस रिटन टेस्ट के सेकंड पार्ट के पेपर के बारे में, तो आपका जो ये पार्ट टू में पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। इस पेपर में हर क्वेश्चन यहाँ पे एक नंबर का होगा, यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इस पेपर में कैंडिडेट से कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का ही ये पेपर होगा। और बात करें यहाँ पे इस पेपर के सब्जेक्ट्स के बारे में, तो कैंडिडेट से जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन के कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर का ये सेक्शन होगा। तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग के कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का ये सेक्शन होगा। सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट लेवल के कुल 70 क्वेश्चन कैंडिडेट से यहाँ पे पूछे जाएंगे, 70 नंबर का ये सेक्शन होगा। सामान्य अंग्रेजी यानी इंग्लिश के इंटरमीडिएट लेवल के कुल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 नंबर का ये सेक्शन होगा। तो इस तरीके से कैंडिडेट का ये 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे और इस पेपर को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट के बेसिस पे यहाँ पे हिंदी के टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो ये हिंदी का कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगा ये कुल 5 मिनट का होगा और यहाँ जो हिंदी की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है वो मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। और बात करें यहाँ पे कैंडिडेट के फाइनल सिलेक्शन के बारे में, तो इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के पार्ट टू यानी आपका जो 200 नंबर का पेपर होना है उस पेपर के नंबर के बेसिस पे होगा। यहाँ आपका जो कंप्यूटर नॉलेज का और टाइपिंग टेस्ट जो होना है हिंदी का, ये दोनों ही टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के टेस्ट है, इनके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में या फाइनल सिलेक्शन में कहीं भी काउंट नहीं किए जाएंगे। और यहाँ दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इन्होंने अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी बताई हुई है, जिसके अकॉर्डिंग SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करें यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 826 रुपए रखी गई है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन
फीस रखी गई है वो 1180 रुपए रखी गई है। यहाँ दोस्तों इन सभी 14 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 तक भरे जाएंगे और यहाँ जो ऑनलाइन फीस पेमेंट के लिए लास्ट डेट रखी गई है वो 27 अक्टूबर 2021 रखी गई है। और SBI बैंक के चलान के थ्रू अगर कोई कैंडिडेट फीस पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 29 अक्टूबर 2021 रखी गई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।